टाइट करेंगे उसके बाद में। मेरा सामान है सब लोड हो चुका है और हम यहाँ सब निकलते हैं। और अभी धूप निकला नहीं है तो काफ़ी जल्दी उठे थे, लेकिन कुछ बहुत सामान अरेंज करते थोड़ा टाइम लग गया। गैस, आज सुबह सुबह हम निकल चुके हैं अपने गांव की ओर। गाड़ी उधर रखा है, कल तेज बारिश होने के चलते आज गांव की खेत की जुताई करनी है। अब देखो तभी बेर चढ़ चुका है। सुबह में जब घर से निकला था उस टाइम सूरज नहीं ऊपर आया था, लेकिन अब आ चुका है और अभी हम रास्ते में हैं, गांव जा रहे हैं फिलहाल। अब देखो किस तरह बारिश से पूरा खेत पूरा भीग चुका है, जुताई लायक पूरा प्रॉपर हो चुका है। और आज का जो अरेंजमेंट है तो भाई साहब, इसमें है डिक्ची कढ़ाई वगैरह है, कपड़ा है और ये है पानी। तो चलिए अब चलते हैं अपने गांव की ओर और आगे आपसे मिलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कल बारिश के चलते पूरा पेड़ गिर गया है भाई साहब, इतना बड़ा पेड़। भाई साहब ये वाली खेत है जिसे जुताई करनी है हमें, तो फिलहाल अब इसको हम जोतते हैं। तो फिलहाल हम अपने घर पहुंच चुके हैं और गाड़ी यहाँ पे कर दी है खड़ा, और अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया है। लगभग 11 बज चुके हैं, 11:30 होने को है। तो सबसे पहले हम ब्रश कर लेते हैं भाई साहब और खाना खाएंगे, फिर निकलेंगे फिर से जोतने के लिए। तो यह है फुआ का घर और यहीं पे आए हैं और यहीं पे नाश्ता करेंगे पहले। तो इधर आओ, तेरा दांत दिखा रहे, दांत दिखा। हुक्का नहीं बतान दे कर को हुक्का नहीं बतान दे। भाई साहब पूरा गर्मी से बेहाल है, पहले ब्रश कर लेते हैं। तो फुआ के घर में खाना खा लिया हूँ फिलहाल और अभी निकल रहे हैं फिर से हम खेत की जुताई के लिए। और आज अभी तक मैं लगभग 6 क्यारी जोत चुका हूँ, अभी बाकी 3-4 और हैं तो उन्हें भी जोतना है। फिलहाल अभी हम पानी यहाँ भर रहे हैं, आप देखो जार में, और इसको भर कर फिर से हम उस साइड नदी की ओर जंगल वाले खेत को जुताई करने जाएंगे। मौसम भी कल बादल है, कहीं पानी ना मार दे नहीं तो हालत खराब हो जाएगा अपना। तो अभी शाम के 6:15 हो चुके हैं और अभी भी 1 क्यारी रह गया है ये वाला। सुबह से 5 बजे आया हुआ, अभी 6:15 हो गया, लगभग 6-7 बज ही जाना है। पर सोच रहे किसी तरह से ये सूरज ढलने से पहले ये कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला लास्ट है, ये जंगल के पास ही है, चलने को है, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे। भाई साहब अभी 7 बज चुका है और काफ़ी लेट हो चुका है, सूरज भी डूब गया, बस हल्का लाइट आ रहा है।
अब हम यहाँ से निकलते हैं घर, जितना जल्दी हो सके निकलते हैं। रास्ता ही पता नहीं चल रहा है।